वाराणसी में आज से एसआई के सर्वे की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ज्ञानव्यापी परिसर में कोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह सुबह तड़के 7 बजे एसआई की टीम वाराणसी में ज्ञानव्यापी के परिसर में प्रवेश कर चुकी है, जो अपने साथ तमाम सर्वे से जुड़े हुए यंत्रों तंत्रों को लेकर पहुंची है। अब महत्वपूर्ण बात कि इस एसआई के सर्वे के लिए हाई अलर्ट पर वाराणसी को रखा गया है। ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे एसआई की टीम शुरू कर चुकी है। शासन ने शहर में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। हिंदू पक्ष में जहां सर्वे में सहयोग की बात कही है, वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जिला जज के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर सर्वे की तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखी है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर स्थित सील वजूखाने को छोड़कर जो दूसरा हिस्सा है पैच, वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद सील वजूखाने को छोड़कर बाकी हिस्से के वैज्ञानिक सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले एएसआई की टीम ज्ञानव्यापी परिसर में दाखिल हो चुकी है। काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 से टीम ने प्रवेश लिया है। एएसआई की टीम सर्वे के लिए आधुनिक मशीनों के साथ पहुंची है। शासन ने शहर को इस पूरे मामले को लेकर हाई अलर्ट पर रखा है। हिंदू पक्ष ने जहां सर्वे में सहयोग की बात कही है, वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी जिला जज के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर इसकी तिथि आगे बढ़ाने को कह रही है और इसमें भागीदारी ना करने की बात कह रही है। सोमवार को वो सर्वे में मौजूद भी नहीं है और इसके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे को लेकर जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ज्ञानव्यापी परिसर मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में बीते 21 जुलाई को आदेश आने के बाद ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित वजूखाने को छोड़कर अन्य हिस्से की एएसआई सर्वे की जांच की शुरुआत आज हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर 4 अगस्त तक कोर्ट में देने की बात है। अब इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, रविवार देर रात को वाराणसी में महत्वपूर्ण एक बैठक हुई। इस क्रम में रविवार को एएसआई के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी ने वहां के पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन और जिला अधिकारी एस रामलिंगम से मुलाकात करके सर्वे से जुड़े दोनों पक्षकारों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया। एसआई के कहने पर पुलिस आयुक्त और डीएम ने रविवार को देर रात अंजुमन इंतजामिया कमेटी और हिंदू पक्ष के साथ अलग अलग बैठक की। बैठक में अदालत के आदेश का हवाला देकर शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे का काम संपन्न कराने की अपील की गई। डीएम एस रामलिंगम ने बताया कि एसआई की टीम शहर में आ गई है। अदालत के आदेशानुसार सोमवार सुबह से ज्ञानव्यापी के सर्वे का काम शुरू होगा। सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई की 30 सदस्यीय टीम के अलावा हिंदू पक्ष की 4 वादिनी महिलाएं, उनके 4 अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। मस्जिद कमेटी के भी 4 लोगों के साथ 4 अधिवक्ताओं के रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला शासकीय अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता, केंद्र सरकार के अधिवक्ता, एसडीएम डिप्टी और अपर पुलिस आयुक्त मौजूद रहेंगे। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर कौन रहेंगे, इस संबंध में एएसआई ने निर्णय नहीं लिया है। ज्ञानव्यापी के सील वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे जिला जज के आदेश पर होने जा रहा है। अब जो कि मीटिंग में तय हुआ है, एसआई की टीम की मौजूदगी में तय हुआ है, पुलिस कमिश्नर डीएम की मौजूदगी में तय हुआ है, उसका असर साफ तौर पर वाराणसी की सड़कों में देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर पुलिस बल मंदिर के आसपास के इलाके में मौजूद है। ज्ञानव्यापी मंदिर के ठीक पास मुस्लिम बस्ती है, बड़े पैमाने पर पुलिस बल वहां मौजूद है। लगातार अपील की जा रही है कि शांति बहाली बनी रहे। पुलिस मीडिया कर्मियों से भी अपील कर रही है कि शांति बहाली में सहयोग करें। इसके साथ ही आसपास दुकानदारों से भी अपील की जा रही है। पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है, एक एक कदम पर तैनात है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि सावन के चलते जो भीड़ है उसको मैनेज करने के लिए पुलिस पहले से भी मौजूद थी, लेकिन अब जब ये सर्वे शुरू होने जा रहा है, लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है कि सर्वे में क्या हो रहा है, ऐसे में कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति ना बने, इसलिए भी पुलिस ने खास कदम उठाए हुए हैं। बड़े पैमाने पर इस इलाके के पुलिस अधिकारियों को भी कमिश्नर ने मीटिंग करके सचेत किया है और गश्त लगाने के लिए कहा है। पूरा जो इलाके का पुलिस बल है इस समय मंदिर के आसपास सक्रिय है और सुरक्षा इंतजामों पर नजर बनाए हुए है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।